हेलो एवरीवन, माय नेम इज पार्थ, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। टेंथ के बाद आपके पास तीन स्ट्रीम्स अवेलेबल है, साइंस, कॉमर्स, आर्ट्स। एंड इन तीनों स्ट्रीम्स में कौन सी करियर अपॉर्चुनिटीज होती हैं उनके बारे में हम बात करने वाले हैं। अब करियर अपॉर्चुनिटीज इतनी सारी हैं, इतने सारे कोर्सेज होते हैं ना, सर्टिफिकेट कोर्स होते हैं, प्रोफेशनल कोर्स होते हैं, अंडर ग्रेजुएट कोर्स होते हैं। हर एक कोर्स को यहाँ पे कवर करना पॉसिबल नहीं है। तो जितने पॉपुलर है जो मेन स्ट्रीम कोर्सेज होते हैं, बहुत सारे हैं, वो भी उन सबको हम यहाँ पे कवर करने वाले हैं। एंड एक और बात आपको बता दूं, अगर आप साइंस लेते हो, ठीक है, अगर आपने मान लिया मुझे साइंस लेना है लेकिन 11th या 12th में आपको साइंस पसंद नहीं आता, मज़ा नहीं आता, तो 12th के बाद आप कॉमर्स या फिर आर्ट्स में भी स्विच कर सकते हो। तो जितने भी स्टूडेंट्स, जितने भी बच्चे देख रहे हैं, प्लीज़ पूरा वीडियो देखना सो दैट यू नो ऑल द डिफरेंट करियर अपॉर्चुनिटीज़ इन साइंस, कॉमर्स एज वेल एज आर्ट्स। एंड अगर वीडियो पसंद आता है तो लाइक करना, शेयर करना, सब्सक्राइब करना चैनल को। तो शुरू करते हैं बिना किसी देरी के। तो मान लो कि आपने साइंस लेने का डिसाइड किया है, तो जब आप 11th में कॉलेज में एडमिशन लोगे तो आपके सब्जेक्ट कॉम्बिनेशन क्या होंगे उसके बारे में भी हम 2 मिनट में बात कर लेते हैं, ठीक है। तो सबसे पहले मान लो आपने जनरल साइंस लिया है, तो जनरल साइंस में सबसे प्लेन कॉम्बिनेशन होता है ये, फिजिक्स, केमिस्ट्री, मैथ्स, बायोलॉजी, PCMB प्लस इंग्लिश प्लस सेकेंड लैंग्वेज। अब वो सेकेंड लैंग्वेज कुछ भी हो सकती है, हिंदी, गुजराती, मराठी, संस्कृत, उर्दू, जो भी कॉलेज में अवेलेबल है, ठीक है, जो आपकी प्रेफर्ड सेकेंड लैंग्वेज है। फिर एक कॉम्बिनेशन होता है ये, PCMB तो रहेगा प्लस इंग्लिश रहेगा एंड आपकी सेकेंड लैंग्वेज यहाँ पे ड्रॉप हो जाएगी, उसके जगह पे आप IT, इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी ले सकते हो। एंड ये भी डिपेंड करता है कॉलेज ऑफर करती है या नहीं, किसी कॉलेज में मिल सकता है, किसी कॉलेज में नहीं मिल सकता है। एंड लोग इसे भी वोकेशनल कोर्स बोलते हैं, ठीक है। तीसरा कॉम्बिनेशन ये हो सकता है, मान लो आपने डिसाइड कर लिया आपको इंजीनियरिंग करनी है, आपको JEE मेन्स या JEE एडवांस देनी है एंड आपको बायोलॉजी नहीं चाहिए, तो अब ये कॉम्बिनेशन ले सकते हो, PCM, फिजिक्स, केमिस्ट्री, मैथ्स प्लस इंग्लिश प्लस सेकेंड लैंग्वेज प्लस ऑप्शनल सब्जेक्ट। बायोलॉजी के जगह पर आपको ऑप्शनल सब्जेक्ट मिल सकता है, वो ऑप्शनल सब्जेक्ट क्या होगा वो भी आपको मैं बताऊंगा, ठीक है। एंड फिर फोर्थ कॉम्बिनेशन, मान लो आपने डिसाइड कर लिया आपको मेडिकल में जाना है, आपको मैथ्स नहीं पढ़ना, मैथ्स नहीं चाहिए, तो अब ये ले सकते हो, PCB, फिजिक्स, केमिस्ट्री, बायोलॉजी प्लस इंग्लिश प्लस सेकेंड लैंग्वेज प्लस ऑप्शनल सब्जेक्ट। अब ये ऑप्शनल सब्जेक्ट क्या होंगे, देखो फिलोसॉफी, साइकोलॉजी, सोशियोलॉजी, इकोनॉमिक्स, हिस्ट्री, ज्योग्राफी, बेसिकली आर्ट्स के जो भी सब्जेक्ट होते हैं ना, वो सारे सब्जेक्ट आपको यहाँ पे ऑप्शनल सब्जेक्ट में मिल सकते हैं, ठीक है। एंड रही बात इन सारे सब्जेक्ट्स की, तो आप ebalbharati.in पर अगर जाते हो, उसका लिंक आपको मिल जाएगा डिस्क्रिप्शन में, उस वेबसाइट पे जाके आपको ये सारी टेक्स्ट बुक्स मिल सकती हैं, फिजिक्स, केमिस्ट्री, मैथ्स, बायोलॉजी, फिलोसॉफी, साइकोलॉजी, सोशियोलॉजी, जितनी सारी टेक्स्ट बुक्स मैंने बताई है वो सारी आपको ebalbharati.in पर मिल जाएंगी। अगर आपको सिलेबस गो थ्रू करना है, अगर आपको देखना है वो सब्जेक्ट आपको पसंद आ रहा है या नहीं, तो आप प्लीज़ उसको चेक कर सकते हो, ठीक है। जनरल साइंस के 4 कॉम्बिनेशन हो गए। फिर मान लो कि बाईफोकल लिया है आपने, तो बाईफोकल में क्या होगा, दिस इज एक्सक्लूसिवली फॉर द पीपल हु वांट टू डू इंजीनियरिंग, ठीक है। PCM, यहाँ पे बायोलॉजी नहीं आएगा, प्लस इंग्लिश प्लस एक बाईफोकल सब्जेक्ट होगा जो 200 मार्क का होगा, तो यहाँ पर आपका बायोलॉजी भी ड्रॉप हो गया एंड आपका सेकेंड लैंग्वेज भी ड्रॉप हो गया है। तो ये बाइफोकल सब्जेक्ट क्या क्या हो सकता है सुनो, कंप्यूटर साइंस, इलेक्ट्रॉनिक्स, इलेक्ट्रिकल मेंटेनेंस, सिविल, मैकेनिकल। एंड ये भी डिपेंड करता है कॉलेज कौन सा सब्जेक्ट ऑफर करती है, इन सब्जेक्ट्स में से कोई भी एक सब्जेक्ट आपका बाइफोकल सब्जेक्ट हो जाएगा, ठीक है। यहां तक की बेसिक बात समझ में आ गई। तो बात करते हैं अलग अलग करियर अपॉर्चुनिटीज की जो आपको साइंस लेने पर मिल सकती हैं। तो मान लो आपने PCM लिया, आपने बायोलॉजी नहीं लिया, तो सबसे पहले आप जा सकते हो फॉर इंजीनियरिंग। आपको JEE मेन्स देनी होगी, ठीक है, तो आपको इंजीनियरिंग सीट मिल जाएगी। JEE एडवांस अगर आप क्रैक करते हो तो आपको IIT में एडमिशन मिल सकता है। अब आप थोड़ा गूगल करोगे तो आपको पता चलेगा कि बहुत सारी अलग अलग इंजीनियरिंग की डिग्रीज होती हैं, बहुत सारे कोर्सेज होते हैं, ठीक है। BTech डिग्रीज होती हैं, BE, बैचलर ऑफ इंजीनियरिंग, उसकी भी डिग्रीज होती हैं, ठीक है। थोड़ा तो रिसर्च करो इसके ऊपर, आपको आइडिया आ जाएगा। फिर मान लो आपको इंजीनियरिंग नहीं करनी है तो आप आर्किटेक्चर के लिए जा सकते हो। 12th के बाद एक NATA नाम का एंट्रेंस एग्जाम होता है फॉर आर्किटेक्चर, एंड आर्किटेक्चर इज अ 5-year कोर्स आफ्टर 12th स्टैंडर्ड, ठीक है। चलो फिर आप एथिकल हैकिंग के कोर्स कर सकते हो, आप डिफेंस में जा सकते हो, NDA में जा सकते हो। 12th स्टैंडर्ड के बाद आप NDA का एंट्रेंस एग्जाम देके आर्मी, नेवी, एयरफोर्स ज्वाइन कर सकते हो। फिर BSc, बैचलर ऑफ साइंस, आप BSc की डिग्री कर सकते हो फिजिक्स में, केमिस्ट्री में, मैथमेटिक्स एंड स्टैट्स में, ठीक है। फिर BSc कंप्यूटर साइंस अवेलेबल है, BSc IT, इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी अवेलेबल है। एविएशन के कोर्सेज होते हैं, मर्चेंट नेवी में आप जा सकते हो, फॉरेंसिक साइंस की डिग्री ले सकते हो, फार्मेसी में भी जा सकते हो, एस्ट्रोनॉमी है, रिसर्च है ऑब्वियसली, एंड रिसर्च करने के लिए आपको पहले बीएससी फिर एमएससी फिर पीएचडी करना पड़ेगा, उसके बाद आप रिसर्च में जा सकते हो। एंड एजुकेशन एंड टीचिंग ये तो रहेगा ही, आप टीचर बन सकते हो एंड कॉमर्शियल पायलट भी बन सकते हो आफ्टर टेकिंग पीसीएम इन 12th स्टैंडर्ड। इंजीनियरिंग नहीं करनी है तो ये सारे इतने सारे अपॉर्चुनिटीज़ अवेलेबल होती हैं। एंड फिर मान लो आपने पीसीबी लिया हुआ, आपने मैथमेटिक्स नहीं लिया है, तो सबसे पहले मेडिकल फील्ड है एंड मेडिकल फील्ड में घुसने के लिए आपको नीट एग्ज़ाम देनी होगी एंड नीट एग्ज़ाम के बेसिस पर, उसके मार्क्स के बेसिस पर आपको सबसे पहले एमबीबीएस की सीट मिल सकती है, बैचलर ऑफ मेडिसिन एंड बैचलर ऑफ सर्जरी एमबीबीएस। लेकिन आपको एमबीबीएस नहीं करना है या फिर आपको सीट नहीं मिली तो आप बीडीएस कर सकते हो, बैचलर ऑफ डेंटल सर्जरी, या फिर आप बीएचएमएस बैचलर ऑफ होम्योपैथिक मेडिसिन एंड सर्जरी ये भी कर सकते हो, बीएएमएस बैचलर ऑफ आयुर्वेदिक मेडिसिन एंड सर्जरी, बीयूएमएस बम्स बैचलर ऑफ उनानी मेडिसिन एंड सर्जरी, ठीक है ये भी एक है, सर्च करो इसके बारे में, रिसर्च करो थोड़ी, बीएसएमएस बैचलर ऑफ सिद्धा मेडिसिन एंड सर्जरी। एंड फिर एलाइड मेडिसिन करियर अपॉर्चुनिटीज़ भी, फॉर एग्जाम्पल फिजियोथेरेपी। अब फिजियोथेरेपी के कोर्स के लिए कॉलेज अपना अलग एंट्रेंस भी ले सकता है अपार्ट फ्रॉम नीट, ठीक है विदाउट नीट। फिर ऑडियोलॉजी के कोर्सेज होते हैं, रेडियोलॉजी के कोर्स होते हैं, क्लिनिकल रिसर्च होता है, ऑक्यूपेशनल थेरेपी होती है, कोर्सेज बहुत सारे हैं। एंड हर एक कोर्स को यहाँ पे डिटेल में तो मैं बता नहीं सकता, लेकिन आपको कोई भी अगर इनमें से इंटरेस्टिंग लगता है तो प्लीज़ उसके ऊपर गूगल कीजिए, रिसर्च कीजिए एंड पढ़िए कि उसके अंदर क्या होता है। एंड नॉन मेडिकल कोर्सेज की बात करें तो सबसे पहले आ जाता है बीएससी बैचलर ऑफ साइंस, फिजिक्स में, केमिस्ट्री, बायोलॉजी में, जूलॉजी हो गया, बॉटनी हो गया, बायोकेमिस्ट्री हो गया, माइक्रोबायोलॉजी हो गया, बायो इन्फॉर्मेटिक्स हो गया, बहुत सारे कोर्सेज होते हैं बीएससी के अंदर, बहुत सारे कॉम्बिनेशन है। फिर फार्मेसी, अच्छा पीसीएम लेके भी फार्मेसी की जा सकती है, पीसीबी लेके भी फार्मेसी की जा सकती है, न्यूट्रिशन का कोर्स अवेलेबल है, साइकोलॉजी है, एनवायरमेंटल साइंस है, एंड इसके अलावा एजुकेशन एंड टीचिंग तो है एंड रिसर्च भी अवेलेबल है। तो ये सारे अलग अलग अपॉर्चुनिटीज़ हो गए, इनके अलावा भी बहुत सारे और करियर अपॉर्चुनिटीज़ हैं जो हमने यहाँ पे कवर नहीं किए हैं, बट इनके बारे में भी अगर आप थोड़ी इन्फॉर्मेशन खुद ढूंढते हो, रिसर्च करते हो तो आपको बहुत सारी आइडिया आ जाएगी। मान लो आपने कॉमर्स लिए, तो कॉमर्स में जब आप 11th में एडमिशन लोगे तो आपको 6 सब्जेक्ट होते हैं, टोटल 6 सब्जेक्ट्स, उसमें से 4 सब्जेक्ट कंपलसरी सब्जेक्ट होते हैं, सच एज इंग्लिश, बीके एंड अकाउंटेंसी, बुक कीपिंग एंड अकाउंटेंसी, इकोनॉमिक्स, ओसीएम, ऑर्गेनाइजेशन ऑफ कॉमर्स एंड मैनेजमेंट। तो ये 4 होते हैं कंपलसरी सब्जेक्ट, इसके अलावा आपको 2 ऑप्शनल सब्जेक्ट मिलते हैं। मतलब मान लो आप या तो मैथ्स ले सकते हो या तो सेक्रेटेरियल प्रैक्टिस ले सकते हो, एसपी। अब बहुत सारे लोग जो सीए करने की इच्छा रखते हैं या फिर आगे जाके एमबीए करने की इच्छा रखते हैं तो वो लोग मैथ्स प्रेफर करते हैं, बिकॉज बेसिक मैथ्स जो होता है वो आगे आपको सीए में और एमबीए के एंट्रेंस में भी काम आएगा, ठीक है। एंड या तो आप सेकंड लैंग्वेज ले सकते हो या तो उसके जगह पे आप आईटी इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी का भी सब्जेक्ट ले सकते हो। तो ये हो जाएंगे आपके 6 सब्जेक्ट, ठीक है, इंग्लिश, बीके अकाउंटेंसी, इकोनॉमिक्स, ओसीएम, मैथ्स या तो एसपी, सेकेंड लैंग्वेज या तो आईटी। एंड कॉमर्स में भी बाईफोकल स्ट्रीम अवेलेबल होती है, यहाँ पर इंग्लिश, बीके अकाउंटेंसी, इकोनॉमिक्स एंड ओसीएम ये कंपलसरी रहेंगे, एंड इसके अलावा बैंकिंग लिया जा सकता है। मतलब मान लो आपने मैथ्स एंड सेकंड लैंग्वेज को ड्रॉप कर दिया तो उसके जगह पे आपने बैंकिंग ले लिया है, तो ये हो जाता है बाईफोकल कॉमर्स, ठीक है, बेसिक आइडिया आ गई। तो लेट अस टॉक अबाउट द अंडर ग्रेजुएट कोर्सेज जो आप 12th के बाद जिसमें एडमिशन ले सकते हो। अंडर ग्रेजुएट कोर्स में कौन से अवेलेबल होते हैं? सबसे ज़्यादा पॉपुलर है बीकॉम बैचलर ऑफ कॉमर्स। अब ये बीकॉम सबसे ज़्यादा पॉपुलर है एंड बहुत सारे लोग करते हैं, एंड अगर आप एक अच्छे यूनिवर्सिटी से, रेप्यूटेड यूनिवर्सिटी या कॉलेज से बीकॉम करते हो तो उस बीकॉम की डिग्री का भी बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंस होता है। लेकिन आपको बीकॉम नहीं करना है तो उसके जगह पे आप बीबीआई बैचलर ऑफ बैंकिंग एंड इंश्योरेंस ये भी डिग्री अवेलेबल है, बीएफ बैचलर ऑफ अकाउंटिंग एंड फाइनेंस, बीएमएस बैचलर ऑफ मैनेजमेंट स्टडीज, बीएमएम बैचलर ऑफ मास मीडिया, बीबीएम बैचलर ऑफ बिजनेस मैनेजमेंट, बीबीए बैचलर ऑफ बिजनेस एडमिनिस्ट्रेशन, बीसीए बैचलर ऑफ कंप्यूटर एप्लीकेशंस। अगर आपने आईटी लिया हुआ 11th-12th में तो आप बीसीए में भी जा सकते हो, अगर आपको इंटरेस्ट है कंप्यूटर्स में तो आप जा सकते हो, बीएक बैचलर ऑफ इकोनॉमिक्स। तो ये सारे अंडर ग्रेजुएट कोर्सेज हैं, एंड इसके साथ साथ प्रोफेशनल कोर्सेज भी होते हैं जो अंडर ग्रेजुएट कोर्स के साथ किया जाता है। मतलब मान लो आप बीकॉम कर रहे हो, आपने 12th के बाद बीकॉम लिया हुआ है, साइड बाय साइड आप सीए भी कर सकते हो, चार्टर्ड अकाउंटेंट। बहुत सारे लोग करते हैं, एक तरफ बीकॉम करते हैं एंड साथ में सीए करते हैं। एंड वैसे ही सीएस भी होता है, कंपनी सेक्रेटरी। मतलब मान लो आप बीकॉम कर रहे हो तो बीकॉम के साथ साथ आप सीएस भी करोगे, एंड इन दोनों के लिए एंट्रेंस एग्जाम होती है, सीए के लिए भी और सीएस के लिए भी। एंड वैसे ही आईसीडब्ल्यू, कॉस्ट एंड वर्क्स अकाउंटेंट, इसका भी एक प्रोफेशनल कोर्स होता है। सीए एंड आईसीडब्ल्यूए इन दोनों को करने के बाद आपके जो करियर प्रोस्पेक्ट्स होते हैं आगे वो बहुत ज़्यादा सिमिलर होते हैं। तो सीए एंड आईसीडब्ल्यूए काइंड ऑफ ऑलमोस्ट सिमिलर टाइप के कोर्स होते हैं। एंड वैसे ही एनआईएसएम नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ सिक्योरिटीज मार्केट्स, इसके भी बहुत सारे सर्टिफिकेट कोर्सेज अवेलेबल हैं जो आप 12th स्टैंडर्ड के बाद या फिर ग्रेजुएशन के बाद कर सकते हैं। एंड स्टॉक मार्केट से रिलेटेड भी बहुत सारे कोर्सेज होते हैं जो आप ग्रेजुएशन के बाद या फिर 12th के बाद आपके अंडर ग्रेजुएट कोर्स के साथ साथ कर सकते हो। ठीक है, तो यहाँ पर भी बहुत 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 सारे अलग अलग अपॉर्चुनिटीज़ अवेलेबल है। ये तो मैंने कुछ आपको बताई हैं, इसके अलावा भी और बहुत सारी हैं जिसके बारे में आप रिसर्च कर सकते हो या फिर आपके भाई बहन दोस्त कज़िन जो कोई भी कॉमर्स कर रहा है उसको आप पूछ सकते हो। ठीक है, तो मान लो कि आपने आर्ट्स लिया है, तो आप जब 11th में एडमिशन लोगे तो आपको टोटल 7 सब्जेक्ट्स होते हैं। देखो, इंग्लिश, सेकेंड लैंग्वेज जो भी होगी, एनवायरमेंटल एजुकेशन, फिलोसॉफी, साइकोलॉजी, सोशोलॉजी, इकोनॉमिक्स, हिस्ट्री, ज्योग्राफी, पॉलिटिकल साइंस, मैथमेटिक्स, लॉजिक, एजुकेशन। इतने सारे आपको नहीं लेने, इनमें से आपको 7 चूज करने हैं। एंड वो डिपेंड करता है आपके कॉलेज पे, आपका कॉलेज कौन सा कॉम्बिनेशन ऑफर करता है उसके ऊपर डिपेंड करेगा आपका 7 सब्जेक्ट्स इनमें से क्या होगा। ठीक है, बहुत सिंपल। एंड ये सारी बुक्स आपको ebalbharati.in पे मिल जाएंगी, तो आपको अगर सिलेबस देखना है, आपको गो थ्रू करना है तो आप वो कर सकते हो। तो बात करते हैं अलग अलग करियर अपॉर्चुनिटीज़ की जो आपको आर्ट्स में मिल सकती है। एंड एक और बात, जिन लोगों ने कॉमर्स लिया है 12th के बाद आप आर्ट्स ले सकते हो, तो ये सारी करियर अपॉर्चुनिटीज़ आपके लिए भी ओपन है। एंड ऑफ कोर्स अगर आपने साइंस लिया है एंड आपको साइंस पसंद नहीं है तो 12th के बाद आप ये सब भी कर सकते हो। तो ये अपॉर्चुनिटी साइंस एंड कॉमर्स वालों के लिए भी ओपन है। तो सबसे पहले बीबीए, बैचलर ऑफ बिजनेस एडमिनिस्ट्रेशन, जो कॉमर्स वाले भी करते ही हैं। बीएमएस, बैचलर ऑफ मैनेजमेंट स्टडीज़। बीएफए, बैचलर ऑफ फाइन आर्ट्स। बीईएम, बैचलर ऑफ इवेंट मैनेजमेंट। इंटीग्रेटेड लॉ कोर्स, बीए प्लस एलएलबी। अब देखो, 12th के बाद आप बीए करोगे, बैचलर ऑफ आर्ट्स, तो उसके साथ साथ आपका एलएलबी लॉ भी होगा। इंटीग्रेटेड कोर्स बोलते हैं इसको, और ये कोर्स 5 साल का होगा। ये जो एलएलबी का कोर्स है आफ्टर 12th वो 5 साल का होगा। या फिर आप अपने ग्रेजुएशन के बाद भी लॉ कर सकते हो जो 3 साल का कोर्स होता है। एंड लॉ की बात अगर करें तो आप लॉ कोई भी स्ट्रीम से कर सकते हो, साइंस, कॉमर्स या आर्ट्स। ठीक है, 12th के बाद वो 5 साल का कोर्स होता है इंटीग्रेटेड कोर्स, एंड ग्रेजुएशन के बाद वो 3 साल का कोर्स होता है लॉ का। ठीक है, काफ़ी क्लियर है। लॉ के लिए एंट्रेंस एग्जाम देनी होती है CLAT। ठीक है, अगर आपको करना है तो आप थोड़ा गूगल कर सकते हो, रिसर्च इसके ऊपर कर सकते हो। फिर BJMC, बैचलर ऑफ जर्नलिज्म एंड मास कम्युनिकेशन। BFD, बैचलर ऑफ फैशन डिजाइनिंग। BSW, बैचलर ऑफ सोशल वर्क। BBS, बैचलर ऑफ बिजनेस स्टडीज़। BTTM, बैचलर ऑफ ट्रैवल एंड टूरिज्म मैनेजमेंट। एविएशन कोर्सेज होते हैं बहुत सारे। BSc इन इंटीरियर डिज़ाइन। BSc इन हॉस्पिटैलिटी एंड होटल एडमिनिस्ट्रेशन। बैचलर ऑफ डिज़ाइन, बी डिज़ाइन, बैचलर ऑफ परफॉर्मिंग आर्ट्स। BA इन हिस्ट्री कर सकते हो, एंड BHM, बैचलर इन होटल मैनेजमेंट। तो ये सारे कोर्सेज अवेलेबल हैं। इसके अलावा भी और बहुत सारे कोर्सेज अवेलेबल हैं जिनके बारे में आप गूगल कर सकते हो, थोड़ा रिसर्च कर सकते हो। एंड ये सारे कोर्सेज सबके लिए ओपन है, साइंस वाले भी कर सकते हैं, कॉमर्स वाले भी कर सकते हैं, आर्ट्स वाले तो करते ही हैं। ठीक है, यहाँ तक बात समझ में आ रही है। बहुत सारी करियर अपॉर्चुनिटीज़ अवेलेबल हैं। अब आपको एक अलग रास्ता बताता हूँ। ठीक है, अपार्ट फ्रॉम साइंस, कॉमर्स एंड आर्ट्स, 10th स्टैंडर्ड के बाद आप डिप्लोमा कोर्सेज में भी एडमिशन ले सकते हो। एंड ये डिप्लोमा कोर्सेज 3 साल के होते हैं। गूगल करो डिप्लोमा कोर्सेज आफ्टर 10th स्टैंडर्ड, तो आपको पूरी लिस्ट मिल जाएगी डिफरेंट अलग अलग डिप्लोमा कोर्सेज की। एंड डिप्लोमा कोर्स करने के बाद आप सेकेंड ईयर इंजीनियरिंग में भी एडमिशन ले सकते हो। तो सेकेंड ईयर इंजीनियरिंग में अगर आप एडमिशन लेते हो तो सेकेंड, थर्ड एंड फोर्थ, तो और 3 साल के बाद आपको आपकी BE, बैचलर ऑफ इंजीनियरिंग की डिग्री भी मिल जाएगी। तो डिप्लोमा करके आप इंजीनियरिंग कर सकते हो। उसके अलावा आप ITI कोर्सेज, इंडस्ट्रियल ट्रेनिंग इंस्टीट्यूट, इनके भी बहुत सारे कोर्सेज होते हैं 10th स्टैंडर्ड के बाद। प्रोफेशनल कोर्स होते हैं 3 साल के, जिसको कंप्लीट करने के बाद आप सीधा जॉब कर सकते हो। तो गूगल करो ITI कोर्सेज आफ्टर 10th, आपको बहुत 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 सारे कोर्सेज मिलेंगे। ठीक है, 3 साल के कोर्स हैं जिसके बाद आपको सीधा जॉब मिल सकता है। तो जिन लोगों को जल्दी जॉब करनी है वो लोग ये कोर्स भी एक बार चेकआउट कर सकते हैं। एंड फिर बात करते हैं UPSC, यूनियन पब्लिक सर्विस कमीशन, MPSC, महाराष्ट्र पब्लिक सर्विस कमीशन, सिविल सर्विसेज गवर्नमेंट एग्जाम्स। ये जो है वो आफ्टर ग्रेजुएशन कोई भी स्ट्रीम से आप दे सकते हो। इवन इफ आपने आर्ट्स लिया है, साइंस लिया है, कॉमर्स लिया है, आप UPSC, MPSC के एग्ज़ाम दे सकते हो। अब बहुत सारे लोग प्रेफर करते हैं कि हम आर्ट्स लेकर UPSC करें, बिकॉज जो UPSC में सब्जेक्ट्स होते हैं दे आर सिमिलर टू आर्ट्स। एंड अगर आप आर्ट्स लेते हो आपको थोड़ा ज़्यादा टाइम मिलेगा UPSC के लिए प्रिपेयर करने के लिए। लेकिन अभी ट्रेंड ऐसा हो गया है ना कि बहुत सारे इंजीनियर्स एंड बहुत सारे स्टूडेंट्स जो साइंस लेते हैं वो लोग यूपीएससी क्रैक कर रहे हैं, ठीक है। एंड ऑब्वियसली वी विल टॉक मोर अबाउट ऑल ऑफ दीज करियर अपॉर्चुनिटीज़ जब हम प्रोफेशनल से बात करेंगे, जब हमारी इंटरव्यू सीरीज टॉक विथ प्रोफेशनल शुरू होगी तो आपको और इन्फॉर्मेशन मिलेगी अबाउट ऑल ऑफ दीज अपॉर्चुनिटीज़, ठीक है। तो आज के लिए बस इतना ही एंड वीडियो पता नहीं कितना लंबा हो गया, 15, 16, 20 मिनट का हुआ होगा। आई होप आपने पूरा देखा एंड आपको बहुत सारी इन्फॉर्मेशन मिली है एंड बहुत सारी इन्फॉर्मेशन लेके आप और रिसर्च करो तो आपको और ज़्यादा आइडिया मिलेगी। एंड बस दुनियादारी की बातें यहीं समाप्त करते हैं। थैंक यू वेरी मच फॉर वॉचिंग। कुछ भी डाउट आता है, प्रॉब्लम आता है तो प्लीज़ पोस्ट इट इन द कमेंट्स, यू कैन DM मी और यू कैन ईमेल मी, ठीक है। थैंक यू वेरी मच फॉर वॉचिंग।